बिना नारियल वाले डोसे के इस चटनी को एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन को लेना है, फिर इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। फिर इसमें हमें 4 से 5 कली लहसुन का डालना है, 1 इंच टुकड़ा इसमें अदरक का डाल दें, 1 लाल सूखी मिर्च डालें, 2 चम्मच इसमें चने के दाल को डालें, 2 चम्मच इसमें रोस्ट किए हुए मूंगफली लेना है, साथ में इसमें 2 टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दें, हल्का रोस्ट कर लें। फिर इसमें हम 1 ऑनियन को बारीक काट कर डालेंगे, ऑनियन से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया हो जाता है। सभी को लगभग 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। फिर इसके कलर को और इन्हेंस करने के लिए इसमें 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे इस चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दें। ठंडा होने के बाद आप इसे बहुत ही स्मूथ पीस लें। आप चाहें तो टमाटर के छिलकों को भी हटा सकते हैं। फिर चटनी के लिए चलिए हम एक तड़के को बनाते हैं। 3 से 4 चम्मच ऑयल को गर्म कर लें, 1 चम्मच इसमें राई डाल दें, साथ में 2 लाल सूखी मिर्च को डालें, 8 से 10 करी लीव्स डाल दें। फिर इस तड़के को चटनी के ऊपर डालें। तड़के से चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है फ्रेंड। एक बार इस चटनी को आप जरूर बना के देखें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यूनिक है। आप इस चटनी को डोसा, इडली, अपम, उत्पम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको भी बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड। और चटनी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।